कई श्रद्धालु कहते हैं कि भाई गुरु जी नाम तो इन देवताओं के देते हैं और इनकी पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और आप दूध के जले हुए हो, अब अपना कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि आप इस दास से अधिक नहीं जान सकते। इस दास से अधिक परमात्मा या वो संत जिनको भगवान मिले वो जान सकते हैं, अन्यथा इस पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। आप अब अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि आपका ज्ञान में कुछ मिश्रण उन अज्ञानियों का है जहां पहले गए हुए थे। अब पूजा और साधना में क्या अंतर होता है? जैसे आप जी को जल के गुणों का ज्ञान हुआ, उसकी प्राप्ति की तरफ हुई, आपने आप पूजा तो कर रहे हो जल की कि मुझे जल प्राप्त होना चाहिए, जल प्राप्त करूंगा। और साधना क्या है? उसके पाने की विधि, जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी लगानी है, पाइप नीचे पहुंचानी है, ये तो है साधना। और जिसके लिए ये सारा कुछ खड़ा हो रहा है वो है पूजा। अब जैसे हम पूजा तो कर रहे हैं अपने परमात्मा कबीर जी की सतलोक में जाने की, क्योंकि हमने उसके गुणों का पता लग गया। हम पूजा तो करते हैं अपने परमात्मा की, और साधना यानी ये मजदूरी, ये प्रयत्न उसके पाने के लिए, मंत्र, ये औजार, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं हम, ये साधना पूजा नहीं है। जब हमें जल मिल जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा, उस बोकी की जरूरत को नहीं, रख देंगे खुट्टी पर टैंक पड़ी रखी। तो इस प्रकार हम जो पूजा और साधना में अंतर है, हम पूजा करते हैं अपने कबीर परमेश्वर के पाने की, और साधना ये सारी करनी पड़ेगी, ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ेंगे उस जल तक पहुंचने के लिए।